चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस पक्षाचा कांग्रेस पक्षाचा, कांग्रेस पक्षाचा, कांग्रेस पक्षाचा, कांग्रेस। दोस्तों, एक सक्सेसफुल चीफ अकाउंटेंट बनने के लिए SR अकेडमी के बहुत सारे कोर्सेज अब आप ऑफलाइन कर सकते हैं मीरा रोड में। SR अकेडमी ऑफर्स करती है कोर्सेज लाइक बेसिक अकाउंटिंग, टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, MS Excel और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप पॉज करके कोर्सेज देख सकते हैं। टॉप क्लास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस फैकल्टीज अवेलेबल है। और दोस्तों, इनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मोर देन 16,000 सब्सक्राइब का ट्रस्ट है इन पर। अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। पहले भी बोला कि हमको मनपा आयुक्त को मिलने के लिए आज कोई समय लिया नहीं था। हमको शहर के STP प्लांट के बारे में तकरार देने को हम आए थे। मैं पिछले 2 साल से इसके बारे में पाठ पुरावा कर रहा हूँ। 2 साल से पहले कभी कोविड का समय है, कभी माल मटेरियल नहीं मिलता है करके हमको एक्सक्यूज़ दिया गया, लेकिन अभी भी वो ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद है, जिसके लिए महानगर पालिका वो सुविधा देने के लिए लोगों के जेब से 400 रुपये से लेकर 800 रुपया हर प्रॉपर्टी से वसूल कर रही है। और वो वसूली में ये 20 करोड़ से ज़्यादा रकम लोगों से वसूल कर रही है और लोगों को सुविधा नहीं दे रहे। बाइंदर ईस्ट में कोई सुविधा नहीं, बाइंदर वेस्ट में कोई सुविधा नहीं, उत्तन में कोई सुविधा नहीं, गोड़बंदर काशीमेरा इलाके में कोई सुविधा नहीं। और जिधर सुविधा दे रहे, उदाहरण देने का रहेगा तो 6C मीरा रोड पूनम शांतिनगर का जो STP प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर जो सबसे पहले बन के रेडी हुआ, हमारे कार्यकाल में रेडी हुआ, जिसका पानी का ट्रीटमेंट करके वही पानी हम लोगों आजू बाजू के गार्डन डिवाइडर में जॉगर्स पार्क में यूज कर रहे थे, आज की परिस्थिति ऐसी है अगर वो पानी वापरा गया, रियूज किया गया तो वहाँ के झाड़ भी मर जाते, ऐसी परिस्थिति है। और उसके लिए 2 दिन पहले हम लोग उधर विजिट करने गए तो पता चला कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से बंद है, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। MPCB के पूरे नॉर्म्स का ये महापालिका उल्लंघन कर रही है और BJP के राज में लोगों का हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है। और इसी के लिए हम एग्जीक्यूटिव को मिलने आए थे, शहर अभियंता से मिलने आए थे, शहर अभियंता आए नहीं, एग्जीक्यूटिव भाग गए, इसलिए आयुक्त साहब को हमको तकलीफ देना पड़ा। आयुक्त साहब के सामने हमने प्लीट रखी, आयुक्त साहब में 2 दिन में इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया है। और ये भी बताया गया, आयुक्त साहब को याद दिलाया गया, आयुक्त साहब आपको ये महानगर पालिका के अधिकारियों ने मिसगाइड किया है। आपने कुछ दिन पहले महापौर मैडम को लेके एक वीडियो क्लिप बनाई थी जिसमें आप बोल रहे थे कि हम मीरा भाईंदर के लोगों का, नागरिकों का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, मीरा भाईंदर में सीवेज के पानी पे ट्रीटमेंट हो रहा है और एक अच्छा सुशासन हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वीडियो किया था। वो भी एक गलती थी और ये गलती ये जो अधिकारी है उनके वजह से हुई है। आपने किन किन विभागों में विजिट किया और किस तरह की चेतावनी दी मनपा के अधिकारी? देखो, अब आए गए तो पूरा काम करना चाहिए, इसलिए पहले हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शहर अभियंता हमारे नए खांबीज साहब को हम जाके मिले, उनको बताया कि आप अनवांटेड खर्चा, अनावश्यक खर्चा शहर में कर रहे वो सबसे पहले बंद करो, जो चीज़ें एक्चुअली चाहिए लोगों को वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। कुछ मांगे हमने रखी, हॉस्पिटल का मुद्दा रखा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के 2 माला चढ़ाने के लिए 11-12 करोड़ रुपए अब तक खर्चा हो गया, लेकिन पिछले 4 सालों में अभी तक सुविधा लोगों को उपलब्ध नहीं है। पिछले 4 सालों से लिफ्ट अभी तक बंद है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर 2-2 गेट बंद रहे। मीरा रोड की स्मशान भूमि
उसके बाहर दो गेट बने, लेकिन वहाँ पे लकड़ा रखने को, जलाने के लिए, अग्नि देने के लिए जो लकड़ा यूज़ किया जाता है वो रखने के लिए शेड नहीं बनती, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट है, लेकिन गेट बन सकते हैं। ये जो चीज़ें है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शहर अभियंता के कान में डालने को हम लोग आए थे, उनको बता दिया। जॉगर्स पार्क में तीन तीन टॉयलेट बन सकते हैं, 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके बास्केटबॉल कोर्ट, एक स्टेज और एक स्केटिंग रिंग बन सकती है, स्केटिंग रिंग बन सकती है, लेकिन जो एथलीट है, जो धावपट्टू है, उनके लिए आज पिछले 8 सालों में एक ट्रैक इन लोग बना नहीं सके। हमने मांग रखी है, हमने मांग की, तभी हमको बोला गया कि पैसे नहीं है, बजट नहीं है। आज शहर भर में कई टॉयलेट बन रहे, कई पुतले लग रहे, कोई हाथ ऊपर कर रहा है, कोई हाथ नीचे कर रहा है, कोई पैर ऊपर कर रहा है, 3-3 लाख रुपया उसके लिए खर्चा किया जा रहा है। इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को और महापौर को देना पड़ेगा, ऐसी मांग हम कर रहे हैं।